हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो बाजार चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, हम लोग एडोब फोटोशॉप सीसी 2015 के फोटोशॉप इफेक्ट के विषय में जानकारी कर रहे हैं कि फोटोशॉप से इस तरह का टैटू लगा वह कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, कहीं भी बाजू पर हो या कहीं पर भी टैटू का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को, यानी इस तरह का टैटू हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह बॉडी के किसी भी पार्ट्स को लगा। फर्स्ट हम लोग करेंगे, गूगल से दो इमेज लेंगे। मैंने दो इमेज लिया है गूगल से। इस इमेज का मैं कंट्रोल जे करता हूँ कॉपी के लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं फिल्टर में जाता हूँ। फिल्टर में जाकर ब्लर में गया। ब्लर में जाकर गॉसियन ब्लर, यहाँ इमेज के अनुसार आप लोग रेडियस दें। मैं यहाँ 3 देता हूँ, किया और इसे सेव किया एज ए डिस्प्लेसमेंट मैप के तौर पर। पीएसडी फाइल के रूप में मैं इसे सेव कर रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर इसका मैं मुझे इस्तेमाल करना है। सेव किया, यहां ओके किया। अब इसका काम हो चुका है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूं। कीबोर्ड से डिलीट बटन पुश कर सकते हैं या यहां से आप डिलीट को क्लिक कर दें। चलिए, अब रहा टैटू का। टैटू में जाते हैं, यहां पर चैनल जो है इसको क्लिक करेंगे। देखिए, यहां आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू है। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को पुश कर आरजीबी के इस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया। देखिए, सिलेक्शन आ गया। सिलेक्शन आने के बाद मैं इस लेयर पर अगेन जाता हूँ और इसको कीबोर्ड से डिलीट बटन को पुश करता हूँ। यस, डिलीट हो गया। उसके बाद मैं इसे कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करता हूँ और मूव टूल से इस टैटू को उठाकर उस बॉडी पर ले जाता हूँ। इस इमेज पर लाया और इसको कंट्रोल टी की हेल्प से इसको सेलेक्ट किया। Alt और Shift को पुश करके इसको मैं सेट करता हूं यहां पर। Alt और Shift को पुश करना है और इसको एडजस्ट करना है यहां पर। अब आप इसको मूव भी कर सकते हैं। चलिए, मैंने मूव किया। मूव करने के बाद यहां पर देखिए, यहां टिक मार्क या इंटर पुश करने पर सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद फिल्टर में जाता हूँ। फिल्टर में जाकर डिस्टॉर्ट पर क्लिक करके यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो मैंने सेव किया है उसको करता हूँ। यहाँ 15 करता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्केल 15 और वर्टिकल स्केल 15 को कर किया और ओके किया। यहाँ मैंने उसे डेस्कटॉप पर सेव किया था, यहाँ से मैं चूज करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके ओपन कर। चलिए देखिए, इस तरह का हो गया। इसके बाद हम लोगों को इसे देखिए, ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमें जरूरत नहीं है। इस तरह का स्केच जो आ गया है इसको हम लोग रेज करना है। इरेज करने के लिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पर एड लेयर मास्क पर क्लिक किया और इरेज टूल लेकर इसको अपना साइज ले लीजिएगा और इसको इरेज करिएगा। यहाँ पर भी इधर में भी है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, इस पार्ट को भी मैं इरेज करने के बाद आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें। दोस्तों,
उसके बाद इस पर आप लोग डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करने पर यहाँ पर लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए कलर ओवरले है, इसको चूज करिएगा। देखिए यहाँ पर मैं कलर बर्न रखा हूँ, अगर कुछ भी हो आप चेंज कर लीजिए कलर बर्न। और इसकी ओपासिटी को 60 किया हूँ, एक कलर को चूज किया हूँ मैं जो है 04093। उसके बाद यहाँ पर आउटर ग्लो इस पर क्लिक किया, यहाँ देखें यहाँ स्क्रीन है, नॉर्मल करेंगे तो कुछ और होगा। और यहाँ ओपासिटी 15, नॉइज 0, स्पीड 0 और साइज 7, यहाँ रेंज 50 किया। ये जो कलर है इसको आप लोग चूज कर सकते हैं, कुछ और कलर दे सकते हैं। मैंने एक कलर लिया, देखिए 4B0707, ओके किया। इस तरह का ये जो हम लोग टैटू है इस कलर का हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। अगर यहां से भी आप कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल था, यहाँ पर कलर बर्न करना चाहें कलर बर्न कर सकते हैं, या ओवरले करना चाहे तो ओवरले भी कर सकते हैं। यानी जिस तरह का टैटू का कलर देना चाहे आप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। मल्टीपल करना चाहे तो इस तरह का होगा। इसकी ओपासिटी को आप लोग कम बेसी भी कर सकते हैं, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का ट्यूटोरियल, जो टैटू को बॉडी के किसी पार्ट्स पर भी आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।